हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे विजुअल सी शार्प। तो विजुअल सी शार्प का सबसे पहला ट्यूटोरियल आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस विजुअल सी शार्प को हम लोग कंसोल एप्लीकेशन के अंदर स्टार्ट करेंगे। फाइल, न्यू प्रोजेक्ट, और विजुअल सी शार्प को हम लोग किस में स्टार्ट करेंगे? कंसोल एप्लीकेशन के अंदर। ओके, आपके सामने जो अपने प्रोजेक्ट का नेम है कंसोल एप्लीकेशन 1, वही आपके नेम स्पेस का नाम होता है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ इस नेम स्पेस की। नेम स्पेस एक्चुअली एक कंटेनर होता है जो कि अनर नेम स्पेस को भी कंटेन करता है, साथ ही साथ में क्लास को भी, इंटरफेसेस को भी, इन्यूमरेशन को भी, स्ट्रक्चर को भी। तो एक कंटेनर होता है जिसमें नेम स्पेस भी आते हैं, क्लास भी आती है, स्ट्रक्चर्स भी आते हैं, इन्यूमरेशन भी आते हैं। इन सभी का एक कंटेनर होता है नेम स्पेस। तो नेम स्पेस इज अ कलेक्शन ऑफ नेम स्पेस, क्लास, डेलीगेट, स्ट्रक्चर, इंटरफेस एटसेट्रा। ओके दोस्तों, कैसे हम लोग इसको देख सकते हैं? जैसे कि अगर मैं ये कहूं कि सिस्टम जो है वो एक नेम स्पेस है, तो सिस्टम के अंदर कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इनबिल्ट होती हैं? अगर मैं इस देखूं सिस्टम डॉट, जैसे मैंने डॉट लगाया, मैं एक्शन पे जाता हूं। एक्शन जो है वो एक क्या है? डेलीगेट्स है। एक्शन को छोड़ के अगर मैं बाकी एक्टिवेटर पे जाता हूँ, तो एक्टिवेटर जो है वो एक क्लास है। ओके दोस्तों, तो हम लोगों ने डेलीगेट्स देखा है, क्लास देखी है। अगर मैं वेब पे जाता हूँ तो वो एक अनदर नेम स्पेस है। मैं इन सभी को यूज कर सकता हूँ इस सिस्टम नेम स्पेस से। ओके, तो नेम स्पेस जो होता है वो कंटेनर ऑफ क्लास होता है, डेलीगेट्स होता है, इंटरफेसेस होता है एटसेट्रा। हमारे यहाँ पे जो हम लोगों ने यूज बाय डिफॉल्ट जो आ रहे हैं नेम स्पेस, वो आते हैं सिस्टम, सिस्टम कलेक्शन, जेनरिक्स, लिंक्स, टैग्स, थ्रेडिंग, टास्क, समथिंग। जो यूज में नहीं आते जो नेम स्पेस, हम लोग उसे रिमूव कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज यूजिंग, रिमूव अनयूज्ड यूजिंग। ओके, अब सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास से। तो यहाँ पे जो है वो क्लास एक प्रोग्राम है, बाय डिफॉल्ट जो आती है वो प्रोग्राम से बन के आती है। इसके अंदर मेन मेथड है, ध्यान रखना। मेन मेथड जो होता है वो एक एंट्री पॉइंट होता है किसी भी सी शार्प प्रोग्राम का। मेन मेथड जो होता है वो एंट्री पॉइंट होता है, यहां से ही कंपाइलेशन स्टार्ट होती है, जिसे हम लोगों ने स्टैटिक बनाया गया है। इस स्टैटिक वर्ड को सीखने के लिए हम लोग लेटर डिस्कस करेंगे। पहले मैं ये बता देता हूं कि मेन मेथड जो होता है वो ओवरलोडेड होता है, तो हम लोगों को ये मैंडेटरी नहीं है कि हम लोग इसके अंदर ये आर्ग्यूमेंट पास करें। हम लोग इसे डायरेक्ट रन भी करवा सकते हैं विदाउट आर्ग्यूमेंट। हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा सबसे पहला आउटपुट विंडो, हेलो वर्ल्ड सिस्टम डॉट कंसोल डॉट राइट लाइन। जैसे मैंने ये राइट लाइन पास किया, इसके अंदर मुझे स्ट्रिंग पास करनी पड़ेगी, हेलो वर्ल्ड। ओप्स, हेलो वर्ल्ड। ओके, सिस्टम डॉट कंसोल डॉट राइट लाइन, हेलो वर्ल्ड हम लोगों ने इसमें पास किया है, जो कि इस स्क्रीन के ऊपर हम लोगों को ये दिखाई देगा। सिस्टम जो है वो एक नेम स्पेस है, कंसोल जो है वो उसके अंदर एक क्लास है, और राइट लाइन जो है वो उसके अंदर एक मेथड है जिसके अंदर हम लोगों ने स्ट्रिंग पास की है। हम इसका आउटपुट देखते हैं, स्टार्ट। यस, हमारा आउटपुट आया, लेकिन 2 मिनट 2 सेकंड के बाद में वापस चला गया। इस चीज को होल्ड रखने के लिए हम लोगों को यूज में लेना पड़ेगा कंसोल। उप्स, याद रहे दोस्तों, हम लोगों ने जो सिस्टम नेम स्पेस है उसके अंदर ये क्लास आती है, इसीलिए हम लोगों को हर बार सिस्टम लगाना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग इसको एक बार ही यूज कर लेते हैं, ताकि हमें बार बार इसको यूज ना करना पड़े, यूजिंग सिस्टम। ओके, अब हम लोगों को ये सिस्टम नेम स्पेस यूज करने की जरूरत नहीं है, हम लोगों ने इसे ग्लोबली इंपोर्ट कर लिया है। अपनी विंडो को कंसंट्रेट करते हैं कंसोल डॉट रीड की। ओके दोस्तों, रीड की एक मेथड होता है जो कि सेम कंसोल क्लास के अंदर है। ये भी एक ओवरलोडेड मेथड है जिसके अंदर हम लोग बूलियन वैल्यू पास कर सकते हैं, ट्रू या फॉल्स। अगर हम लोग इसमें ट्रू पास करते हैं तो ये विंडो को होल्ड रखेगा। रीड की का मतलब होता है कोई एक की रीड करना फ्रॉम कीबोर्ड।
कीबोर्ड से हम लोगों को एक की रीड करने के लिए बोलता है ये मेथड। अगर हम लोगों ने इसके अंदर ट्रू पास किया है तो वो की हमें दिखाई नहीं देगी कंसोल विंडो पे। जैसे कि अगर मैंने स्टार्ट पे क्लिक किया और मैंने ये एल प्रेस किया तो वो एल हमें विंडो पे दिखाई नहीं दिया। लेकिन अगर हम लोग इसमें फॉल्स पास करते हैं और इसे यूज करते हैं स्टार्ट पे और मैंने फिर से एल प्रेस किया तो वो एल हमें विंडो पे दिखाई देता है। ओके दोस्तों, ये जो रीड की है वो सेम एज गेट सी एच मेथड होता है जो कि बफर में भी स्टोर नहीं होता। ओके, आज का प्रोग्राम यहीं खत्म होता है। थैंक यू। इसके नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में आप इसकी सभी क्लासेस के बारे में जानकारी लोगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।